हे हाय ब्यूटी क्वीन, दिस इज मी प्रतीक्षा और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट टू एंड मेकअप करते कैसे है वो दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो खास बिगिनर्स के लिए होने जा रहा है और इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में रिसीव हो जाएंगे। ये रेड आई मेकअप लुक मेरा पर्सनल फेवरेट मेकअप लुक है क्योंकि ये नई नवेली दुल्हन जैसा लगता है और बहुत इजीली मैंने इसको क्रिएट करा है और साथ में मैंने ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन रखा है तो लुक और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें स्किन की केयर करनी होती है और हमें सबसे पहले फेस वॉश करना होता है, देन टोनिंग करना होता है। टोनिंग के लिए मैंने यूज़ किया है मामा अर्थ का रोज़ फेस टोनर और मैंने अच्छे से वो फेस पे लगा लिया है। देन मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और मॉइस्चराइज़र जो है वो मैंने मेडिकेटेड यूज़ किया है जो कि मैंने डॉक्टर से लिया था। मेरे मॉइस्चराइज़र का नेम है उमिडो मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग जेल जो कि खास ऑयली स्किन के लिए है। देन स्टेप होती है प्राइमर की, तो मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ लोटस का प्राइमर जो कि खास एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही है, तो बहुत बेस्ट वाला प्राइमर है। जिनको एक्ने प्रोन स्किन की प्रॉब्लम है वो ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा वाला प्राइमर है ये, तो मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ। देन नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो कंसीलर अप्लाई करने की होती है और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूयॉर्क का कंसीलर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, काफ़ी अच्छा कंसीलर है, काफ़ी टाइम से भी यूज़ कर रही हूँ और मैं जहाँ जहाँ पर लगा रही हूँ वो हाईलाइट पॉइंट है। और मैं जैसे कि आपको लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि मुझे अंडर आई सर्कल को लेकर एक मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जो कि रेडनेस अभी तक है, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे फील नहीं करूँगी कंसीलर से, तो नॉर्मली मैं कंसीलर लगा के डैप डैप करके स्प्रेड करूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने जो ब्लेंडर यूज़ करा है वो पैक का ब्लेंडर है, बहुत अच्छा वाला ब्लेंडर है, बहुत कम प्राइस में अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला ब्लेंडर हमें मिलता है पैक का, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस ब्लेंडर की हेल्प से हमें अच्छे से कंसीलर को स्प्रेड करना है, डैप डैप करना है, डैप डैप करके स्प्रेड करना है और तब तक स्प्रेड करते रहना है जब तक वो हमारे स्किन पे हमारे फेस पे इवन टोन ना लगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो। देन हमारे नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। फाउंडेशन भी मैं कम क्वांटिटी में लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी और इसी ब्लेंडर की हेल्प से मैं फेस पे लगा के डैप डैप करके स्प्रेड करूँगी। और फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का ही फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि है 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, सुपर स्टे वाला फाउंडेशन है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये स्टे करता है हमारे फेस पे और ये ऑल स्किन टाइप लोगों के लिए बेस्ट है बट ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि आप सबको पता है मेरी भी स्किन ऑयली है, एक्स्ट्रा ऑयली है बल्कि, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से ही जाता है जो कि मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड, ये वाला शेड है मेरा। इसमें और भी एक शेड है मेरे पास जो कि है 120 न्यूड वाला, ये दोनों शेड मैं अक्सर यूज़ करती हूँ मिक्स एंड मैच करके और वो मेरे कलर पे बहुत सही जाता है। तो अगर आपका कलर मेरे जैसा है तो आप ये दोनों भी शेड्स यूज़ कर सकते हो और बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा वाला फाउंडेशन रिसीव हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली इसकी प्राइस है 750 रुपीज़ ओनली, तो आप हमेशा जब भी कभी भी लेते हो आपको डिस्काउंट करके मिल जाएगा क्योंकि हमेशा इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है, तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में ये रिसीव हो जाता है। देन मैंने यूज़ किया है लूज पाउडर जो कि है पैक का ट्रांसलूजेंट पाउडर, काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है ये, नंबर है इसका 02 और सॉफ्ट वाला ट्रांसलूजेंट पाउडर है ये। ब्रश मैंने यूज़ किया है रियल टेक्निक का, आपको पता है रियल टेक्निक कितना अच्छा ब्रांड है, तो उसी के ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल। तो देन नेक्स्ट स्टेप है आई शेडो और आई शेडो के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ एनके मेकअप जिसका छोटा सा एक पैलेट आता है जिसमें मल्टी कलर्स होते हैं। मेरे पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स हैं ये छोटे छोटे जिसका ये किसका रेप्लिका है पता है, ये हुडा ब्यूटी का रेप्लिका हम कह सकते हैं, बहुत प्यारा वाला आई शेडो किट है ये। इसका रिव्यू मैंने दिया है बट मैंने अभी तक वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करा है, बहुत जल्द ही मैं वो वाला वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने नायका से बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेस करे हैं और मैं आपको वो शेयर करने वाली हूँ बहुत 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 जल्द ही। तो उसमें ये किट्स मैंने दिखाए हैं, मैं इतनी बड़ी वाली फ़ैन हूँ इसकी, बहुत पिगमेंटेड कलर्स आते हैं इसमें और आप देख सकते हो मुझे ज़्यादा स्ट्रोक भी लेने नहीं पड़ रहे, एक ही स्ट्रोक में इतना ज़्यादा पिगमेंट आ जाता है और
जैसे कि आपको देख के पता चल ही चुका होगा। और रेड आई में क्रिएट करी हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें से पिक किया है रेड कलर, और थोड़ा सा शिमरी लुक में रखने वाली हूँ। तो मैं फिंगर से ही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर फिंगर से ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ, और मुझे वो कम्फर्टेबल भी लगता है, और मुझे लगता है कि मेरे हाथों से ही अच्छा हो जाता है। तो बाद में मैं फिर से ब्रश ले रही हूँ रियल टेक्निक का, और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करी हूँ। और ब्लेंडिंग भी आपको तब तक करनी है जब तक आपको नहीं लगता कि हमारे आईलिड पे हमने जो भी कलर अप्लाई किया है वो सॉफ्ट, इवन और स्मूथ ना लगे। तब तक, जब तक आपको नहीं लगता तब तक आपको ब्लेंड करते रहना है। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं पिक करी हूँ डार्क वाला शेड, उसमें ही मरून सा, जो कि मेरे आई कॉर्नर में जाएगा, और मैं हाईलाइट करूँगी, और आई एंड में मैं थोड़ा सा डार्क कलर फिल करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ब्रश से ही अप्लाई करी हूँ, और अच्छे से स्प्रेड करी हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ और ब्लेंड करूँगी। आप जब भी आई शेडोज अप्लाई करते हो ना, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपको आपका आई लुक अट्रैक्टिव चाहिए हो तो जब भी डार्क शेड अप्लाई करते हो वो हमेशा आई एंड में ही होना चाहिए, ना कि आई लिड के एग्जैक्ट सेंटर पे। क्योंकि होता क्या है, उससे हमारा आई लुक अट्रैक्टिव कभी नहीं लगता। तो डार्क शेड आता है लगाना है तो हमेशा वो आई एंड में ही होना चाहिए। और हाँ, अगर आप स्मोकी आई चाहते हो तो आप पूरे आईलिड पे लगा सकते हो डार्क शेड, बट आपको स्मोकी लुक नहीं चाहिए, नॉर्मल सा लुक चाहिए, तो हमेशा डार्क शेड आपको आई कॉर्नर में ही, आई एंड में ही लगाना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। जैसे कि मैंने डार्क शेड आई एंड में लगाया है, और मिडल में मैंने फिंड सा रेड कलर लिया। जैसे कि आप देख रहे हो मैं एज अ काजल करके भी वही कलर लगा रही हूँ, ताकि मेरे आईज़ वो बड़े बड़े लगे और अच्छे लगे। तो काजल के अलावा मैं रेड कलर ही लगा रही हूँ, वो भी बहुत प्यारा लगता है लुक। तो मोस्टली मैं यही करती हूँ, जो मैंने आई शेडो लगाए हैं वही मैं काजल एज अ काजल करके लगाती हूँ हमेशा। और आप देख रहे हो रिजल्ट काफ़ी अच्छा लुक लगता है। और अभी तो मेन पार्ट बाकी है, मैं अच्छे से फिर से ब्लेंड करी हूँ ताकि मेरा आई लुक अच्छा लगे, और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो ब्लेंडिंग, जितनी ब्लेंडिंग करोगे, जितना टाइम आईज लुक के लिए दोगे, उतना अच्छा आई लुक आपका लगेगा। अभी मैं शिमर कलर ले रही हूँ, डार्क वाला रेड कलर है, रेड नहीं मरूम सा शेड है वो, तो वो मैं मिडल में लगाऊंगी आई लिड पे, और मैं फिंगर से ही लगाऊंगी, ताकि मुझे लगता है कि मैं जब भी फिंगर से लगाती हूँ पिगमेंट बहुत अच्छा आ जाता है, और अच्छे से लगा पाती हूँ मैं आईज पे। तो मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ, और आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है कलर, बहुत अच्छा वाला पैलेट है ये एनके का। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखना, और जो खुद के लिए कुछ लेना चाहते हो पैलेट, और ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते पैसे, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा वाला मेकअप किट मिल जाता है, ये आई शेडो किट सॉरी। तो आप मेरा आई लुक देख सकते हो, मैंने अप्लाई कर लिया है शिमर वाला भी, और वही ब्रश में फिर से एज अ काजल करके लगा रही हूँ, और आप देख सकते हो मेरा आई लुक। देन नेक्स्ट स्टेप है आईब्रोज। एक्चुअली आईब्रोज पहले फिलअप की जाती है, देन आई मेकअप किया जाता है, बट मैं इतनी एक्साइटेड थी ना मेकअप करने के लिए, तो मैं भूल गई कि मुझे आईब्रोज भी फिलअप करनी है। देन मुझे बाद में याद आया कि अरे मेरे आईब्रोज तो बाकी रह गए, देन आई शेडो लगाने के बाद मैं अभी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे आईब्रोज फिल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है, बट मुझे फिर भी चाहिए होता है थोड़ा और भी डार्क। तो मैं आईब्रो के लिए मैंने क्या लिया था, पैक का आईब्रो फिलर किट था वो, जो कि पहले आपने देखे होंगे मेरे पहले वाले वीडियो में, वेट एंड वाइल्ड का यूज़ करती थी, अभी मैं पैक का यूज़ कर रही हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है, और तीन शेड्स आते हैं इसमें, एक ग्रे होता है, एक ब्राउन सा है, और एक डार्क ब्लैक है। तो मैंने डार्क और ब्लैक को मिक्स करके फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ी सी मेरे आईब्रोज में डार्क करी हूँ। नॉर्मली मैं आईब्रोज इतनी डार्क नहीं रखती, बट आज मैं कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क ही रखूँ आज, तो क्योंकि ब्लैक एंड रेड वाला मेकअप लुक है, तो उसमें डार्क आईब्रोज ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो मैं डार्क कर रही हूँ आईब्रोज को, और बहुत अच्छा शेप लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने डार्क डार्क आईब्रोज करी है।
और काफ़ी अच्छा किट है ये भी, मिनी सा है, पॉकेट फ्रेंडली है, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो, आपके वॉलेट में चाहे पर्स में कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। तो मुझे इस टाइप के पैलेट, छोटे छोटे पैलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आई शेडो का पैलेट भी बड़ा वाला लेना कभी प्रेफर नहीं करती मेरे लिए, क्योंकि छोटू सा अगर होना तो मैं कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। आईब्रो फिनिशिंग के लिए मैं फिर से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और ये दिक्कत हो जाती है, अगर आप पहले आईब्रो फिलअप नहीं करते हो तो आई शेडो के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आई आईब्रोज फिल करने के लिए, बट मैंने कर लिया। अभी आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, आईलाइनर के लिए मैंने NY बेका आईलाइनर में यूज़ कर रही हूँ और लिक्विड आईलाइनर है ये। इन दिनों में मैं यही आईलाइनर ज़्यादा लगा रही हूँ और मुझे लिक्विड आईलाइनर यूज़ करना काफ़ी इजी लगता है और मैं इजीली अप्लाई कर पाती हूँ उन्हें। बट आज के लुक में ना मुझे जेल आईलाइनर अप्लाई करना था, मेरे पास एक ही आईलाइनर है जेल में जो कि है पैक का, वो मेरे से ओपन रह गया था और वो सूख गया है, तो आज तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जब तक लॉकडाउन है, मेकअप लुक आएंगे उसमें आपको यही वाला आईलाइनर दिखेगा। और एक है वो है लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर, तो वो दिखेगा, ये दिखेगा और बस यही ऑप्शंस है मेरे पास। बट ये भी आईलाइनर बहुत अच्छा है, पहले तो मैं यही लगाती थी, एक लैक्मे का और ये NYB का, क्योंकि ये अप्लाई करने के बाद डार्क भी लगता है और सूखने के बाद डर्टी सा लुक भी नहीं लगता और लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम तक ये स्टे करता है। सो मुझे ये वाला आईलाइनर सच में बहुत अच्छा लगता है, तो अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट जब भी कभी मुझे फटाफट रेडी होना होता है, मेरे हाथ में यही बॉटल आ जाती है और मैं इसको यूज़ करती हूँ। और आज भी मेरे साथ यही हुआ है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हो काफ़ी डार्क वाला आईलाइनर लगता है ये। प्राइस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, हर किसी के पास ये हो सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस पता है आपको, हार्डली 150 तक इसकी प्राइस है और लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा वाला आईलाइनर मैंने आज तक नहीं देखा है, तो मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ, बट मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो मुझे आईलैशेस की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी नेचुरल लैशेस बहुत लॉन्ग है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो भी, बट फिर भी मैं लैशेस लगाना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे लैशेस, आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है और एक लिपस्टिक, ये दोनों चीज़ें मुझे हमेशा चाहिए ही चाहिए होती है। सो लैशेस अप्लाई कर रही हूँ तो मैं मस्कारा ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, नॉर्मल सा मैं लॉरियल पेरिस का काजल लगा रही हूँ। मस्कारा मैंने फेसेस का लगाया था और काजल मैं लॉरियल का लगा रही हूँ और मैं फिर से ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा उसको स्प्रेड करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हो। स्प्रेड करने के बाद अच्छा लगता है और आई लुक आप देख सकते हो बहुत प्यारा लगता है। हम जितना भी ब्लेंड करते हैं कलर्स को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है आई मेकअप। अभी ये लैशेस हैं, ये मैंने अमेजोन से ली थी, नेचुरल वाली लैशेस है और बहुत ज़्यादा ठीक है। तो इसके लिए मैंने ग्लू, पैक का ग्लू अप्लाई किया है, बहुत अच्छा ग्लू है वो भी। तो डार्क और स्मोकी वाली लैशेस बहुत ज़्यादा ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे आईज। देन मैं सेकेंड अप्लाई करूँगी सेम, और लैशेस लगाना अभी मुझे बहुत इजी लगता है, हमेशा लगा के मैं सीख गई हूँ। पहले तो बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत टाइम लगता था, अभी मैं हार्डली 5 मिनट लेती हूँ लैशेस लगाने के लिए। 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 1-2 मिनट, 1 मिनट में ही लग जाते मेरे आईलैशेस। अभी आप देख सकते हो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, मैं थोड़ा सा टचअप दे रही हूँ फाइनल वाला आईज के लिए, देन उसके बाद मेरा आई लुक जो है वो कम्प्लीटली हो चुका है। और देन नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्ट्रोरिंग की, तो कॉन्ट्रोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का फेस पैलेट, 01 इसका नंबर है, और इसमें से मैं कॉन्ट्रोर पाउडर पिक करूँगी। और जैसे कि आप ब्रश देख सकते हो, ये रियल टेक्निक का ही ब्रश है, इससे मैं नोज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी, शार्प करने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्मल सा ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी बिल्कुल भी। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फाउंडेशन, जो भी मेकअप बेस है, वो बहुत कम क्वांटिटी में और अच्छे से स्प्रेड करके लगाया है, तो नेचुरल सा लुक लग रहा है। और ये मैं शार्प कर रही हूँ, देन मैं फेस के लिए लगाने के लिए दूसरा ब्रश लूँगी, बड़ा वाला।
नॉर्मल सा मैं कंट्रोल करूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी शार्प है मेरा फेस, तो इनका फेस शार्प नहीं होता है, कट दिखाने की ज़रूरत होती है फेस पे, तो उनको कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंट्रोल पॉइंट्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ जो कि जैसे जहाँ जहाँ पे मैं लगा रही हूँ वहाँ पे आपको कंट्रोलिंग करनी है, जैसे कि नोज़ के यहाँ, चीक्स पे और नेक पे और फोरहेड पे। फोरहेड पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी ब्लशर लगाने के लिए मैं उसी पैलेट में जो ब्लशर है वो पिक करूंगी, और उसके लिए मैंने ब्रश लिया है रियल टेक्निक का, बहुत फ्लफी और बहुत प्यारा वाला ब्रश है। मुझे ये ब्रश बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका कलर भी पिंक है और बहुत अच्छा वाला ब्रश है एक्चुअली। तो मैं अभी ब्लशर लगा रही हूँ, देन मैं हाइलाइटर भी उसी पैलेट में से पिक करूंगी और हाइलाइट करूंगी, हाइलाइटर लगाऊंगी वहाँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे हाइलाइट्स पॉइंट्स दिखाने हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है मैं कहाँ कहाँ पे लगा रही हूँ, उसी ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। फोरहेड पे मैंने लगाया, देन मैं नोज़ पे लगाऊंगी, आई कॉर्नर पे लगाऊंगी, जैसे कि आप देख रहे हो आई कॉर्नर पे आपको फिंगर की हेल्प से ही हमेशा लगाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अच्छे से आप लगा सकते हो, लगा पाते हो। और देन नोज़ पे लगाऊंगी, इससे आईब्रो उसके यहाँ पे जब भी हम हाइलाइटर लगाते हैं हमारी आईब्रोज और हमारे आईज और भी ज़्यादा शार्प लगते हैं, तो वहाँ पे आपको हमेशा हाइलाइटर लगाना है। देन नोज़ पे मैंने लगाया है और थोड़ा सा नेक पे भी लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा शाइनी लगे, तो वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हाइलाइटर के बाद जो स्टेप आती है फाइनल वाली वो है लिप्स, तो लिप्स के लिए मैं पहले तो बॉर्डर करूँगी, और बॉर्डर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर की पेंसिल, लिप लाइनर पेंसिल। बॉर्डर करने से पहले, लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं लिप्स को अच्छे से क्लीन करूँगी। अगर आपके लिप्स हमेशा ड्राई रहते हो, एक्स्ट्रा ड्राई हो, तो आपको मेकअप स्टार्ट करने से पहले लिप बाम, लिप केयर कुछ लगा के फिर मेकअप करना है, ताकि हमारे लिप्स है वो मॉइस्चर हो के रहे और लिपस्टिक लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद लिप्स नेचुरल और अच्छे लगे। बट मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, तो मैंने कोई लिप बाम अप्लाई नहीं करके रखा था, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया। बट आपके लिप्स अगर ड्राई रहते हो तो आपको हमेशा लिप लाइनर, लिप केयर, लिप बाम अप्लाई करके ही मेकअप करना है। तो मैं अभी बॉर्डर कर रही हूँ अपने लिप्स को, और मैं लिपस्टिक से थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ लिप्स बॉर्डर करने के लिए, ताकि लिपस्टिक शेड और भी अच्छा लगे और लुक पूरा जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो थोड़ा सा डार्क कलर में अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो है नोट करके एक ब्रांड है, बहुत अच्छा वाला ब्रांड है। और ये लिपस्टिक के बारे में आपको क्या बताऊँ, मैंने ये ट्रेलैप से लिया था एक्चुअली, बहुत अच्छी वाली लिपस्टिक है। और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉपर रेड कलर का शेड है, टोमेटो रेड कलर है उसका, और बहुत ज़्यादा रेड रेड मेरे लिप्स लग रहे हैं। और मैं फिर से फिनिशिंग दे रही हूँ, फिनिशिंग करके मैं अच्छे से अपने लिप्स को बॉर्डर करके मैंने लुक क्रिएट करा है लिप्स का, जैसे कि आप फाइनल लुक देख सकते हो। अभी मुझे सूझ नहीं रहा है कि मुझे करना क्या है आखिर, और कैमरा में देख देख के मुझे मेकअप करना था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है मेकअप करते टाइम, मेरा तो हमेशा ही होता है, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील करती हूँ जब भी मैं कैमरे के सामने मेकअप करती हूँ। बड़ा कोई मिरर नहीं होता, मिरर में देख देख के जब भी मेकअप करते हैं तो कंफर्टेबल लगता है, बट मिरर नहीं हो, सिर्फ कैमरा हो, तो मेकअप करने के लिए बहुत बहुत दिक्कतें भी आती है और बहुत अनकंफर्टेबल भी लगता है। तो मेरी हालत कुछ ऐसी है। मैंने स्प्रे अप्लाई किया है, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मैंने यूज़ किया है, वो है फेसेस कैनेडा का, जो कि इन सब में जो भी सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मैंने यूज़ करे हैं, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनकी बाइंग लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स करना चेक करना मत भूलना, वहाँ पे आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मैंने आज मेकअप में यूज़ किए हैं, उनकी बाइंग लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी मैं बिंदी लगा रही हूँ, और बिंदी मुझे रेड कलर की ही लगानी थी, जैसे कि आपको पता है मैं रेड आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, सो ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन है, तो बिंदी भी मुझे रेड कलर की लगेगी, बट
फ़र्क यह है कि मैं बड़ी वाली बिंदी लगा रही हूँ, ना कि छोटी, जैसे कि हर टाइम मेरी छोटी रहती है और ऊपर रहती है, बट आज के लुक में थोड़ा सा अलग डिसेंट सा लगे तो मैं नीचे बिंदी लगाऊंगी। देन मेरे झुमके, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में पहने थे, तो वाले झुमके मैं पहनने वाली हूँ आज। और मेरा मंगलसूत्र नॉर्मल सा सिंपल सा मंगलसूत्र है, और ये वाले झुमके ऑक्साइड में है, मेरे फेवरेट 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 मंगलसूत्र सॉरी ईयरिंग्स है। और ये मैंने मीशो से लिए थे, जैसे कि आपने देखा ही होगा मीशो वाला हॉल, तो उसमें मैंने आपको ये वाले दिखाए थे, तो बहुत अच्छे वाले झुमके हैं और आज के लुक में प्रॉपर जा रहे हैं। और मेरी फेवरेट कांच वाली बैंगल्स, जो कि आपको पता है ना मुझे कांच वाली बैंगल्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा कांच वाला कुछ हो तो मैं पहनती हूँ, तो आज मैं रेड कांच वाली बैंगल पहन रही हूँ। और अभी फाइनल जो है वो है हेयर, तो आज कोई हेयर स्टाइल नहीं होने वाली, ओपन ही हेयर रहेंगे, तो मैं कॉम कर रही हूँ। और मेरे हेयर्स को थोड़ा सा इग्नोर करो क्योंकि बहुत ड्राई है, तो उनके लिए मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ घर में जो भी रेमेडीज़ होती है वो करती हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है जो कि आपको दिख रहा है। तो क्वींस, ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है। और मैंने आज के वीडियो में जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं उनकी बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।